रविवार को स्थानीय शिव कुमार सिंह आईटीआई परिसर में भाजपा मांझी मध्य मंडल एवं पूर्वी मंडल की संयुक्त कार्य समिति की बैठक संपन्न हो गई। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रामदयाल शर्मा ने कहा कि दोनों मंडल के कार्यकर्ता आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य करें और सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने में मदद करें। कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूती प्रदान करें। अपने उद्बोधन में मांझी विधानसभा प्रभारी वीरेंद्र पांडे ने कहा कि ये चुनावी वर्ष हम सभी कार्यकर्ताओं को अपनी पूरी ऊर्जा के साथ बूथ को जताना है, क्योंकि बूथ जीता तो चुनाव जीता। इसी लक्ष्य को लेकर प्रत्येक कार्यकर्ता को कार्य करना है। हम सभी को गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 4 वर्ष पूर्ण होने पर देश का मान सम्मान देश विदेश में बढ़ा है। भाजपा नेता हेम नारायण सिंह ने कहा कि चलाई जा रही योजनाएं जन जन तक पहुंचाने के लिए हर कार्यकर्ता बूथ स्तर पर कार्य करे। भाजपा नेता शिवाजी सिंह ने संगठन के द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में पार्टी के विस्तारक मिथिलेश सिंह, प्यारे अंगद, त्रिलोकीनाथ सिंह, मनोज प्रसाद, अमरजीत सिंह, अमरनाथ तिवारी तथा निशांत राज सिंह आदि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता बबलू शर्मा ने किया। माझी से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। माझी मंडल मध्य और पूर्वी की जो लाभार्थी संपर्क अभियान चल रहा है उसके लिए बैठक थी। यह लाभार्थी संपर्क अभियान लोकसभा की बैठक हो रही है, उसके बाद मंडल की आज बैठक थी। 2 से 5 मार्च तक इस अभियान को लेना है। इसके पूर्व प्रत्येक मंडल में जो अभियान टीम बनी है उसके साथ बैठ करके योजना बनाई गई। बूथों पर जाकर के हमें क्या काम करने हैं उस काम के बारे में बताया गया। कुछ जो हैंडबिल और स्टिकर आए हैं उनको संपर्क करने वाले को दिया जाएगा। लाभार्थी की सूची भी उपलब्ध है, उस सूची के अनुसार एक व्यक्ति 20 से 40 लाभार्थियों से संपर्क कर उनका अनुभव जानेगा, क्योंकि सरकार की यह योजना है कि हमने जो काम किया वह धरातल पर तो है, लेकिन फिर भी एक बार उन लोगों से लाभार्थियों से यह जानना चाहिए कि यह जो काम हम कर रहे हैं उसके बारे में उनका क्या विचार है, क्या सोच रहे हैं, तो इसको कैसे जाना जाए। तो हमारे कार्यकर्ता वहां जाएंगे और जाकर के उनसे उनका ओपिनियन लेंगे, अनुभव जानेंगे और वह जो ओपिनियन देंगे उसको सीधे केंद्र सरकार को प्रेषित किया जाएगा कि लाभार्थी इस तरह की बात कह रहे हैं। थैंक यू। निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।